मेरा नाम धर्मेंद्र पाल है। कहाँ रहते हैं आप? सोपाल नगर के सहयोग के हम। अच्छा, तो क्या क्या मामला हुआ था, क्या घटना घटी? घटना तो ऐसी कुछ भी नहीं थी, हमारा लड़के से वैसे जल झीलता रास्ता था। ये कौन? ये पंकज सरवाल। और जो है इसकी पंकज सरवाल ने एक दुकान भी अपनी परचूटी भी खोली थी, तो ये सब अपने जो है यार दोस्ती में दारूबाजी मुड़ा गया, दुकान ठप कर दी, बंद हो गई इसकी। और हमारे लड़के को देखता था, जब भी देखता था घूर के देखता था इसके लिए। तो मेरे लड़का कहता था कि पापा मेरे पापा घूर घूर के देखता। अरे मैंने कहा होगा बेटा तुझे क्या लेना देना, अपने काम से काम कर, समझे। लेकिन क्या हुआ कि जो है हमारा अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था कमरे में, ये बाहर निकल के जा रहा था। तब तक जो है ये हमारे बच्चे घूर रहा था, कोई छोटा बच्चा सामने से निकला तो फिर क्या, वो बच्चा इसकी पंकज की गाड़ी से टकरा जाता, टकरा जाता। कई इसने कुछ कहा कि जो है जो गाड़ी जो है रोड पर ही जाने के, तो हमारे बेटे ने कहा अरे बेटा पंकज तू जा भाई। बोले अरे तो क्या करेगा क्या, बोले मैं क्या करूँगा तेरा। अब बात आई गई हुई, कोई ऐसी बात कुछ थी नहीं किसी प्रकार की। और अगले दिन इसने शाम को घटना को जवाब दे दिया। क्या हुआ था? यही हमारा लड़का जिम से आके अपनी लड़की की, हमारी लड़की तुम वही छोटा मेडिकल स्टोर है तो वहाँ बैठी थी अपनी चला रही होगी, मैं तो घर पर था। लड़का जिम से आके वहाँ उसके पास के काउंटर पर खड़ा हो गया, तब जब गोली की आवाज़ हुई मैं घर से निकल के भागा। बाप क्या देखा तो जो टावर तो फायर में, तो इसके बाप और बड़े भाई दोनों मौजूद थे। और बाप कह रहे मार साले को, मार साले को। और इसने जो गोली चलवाना शुरू कर दी। और सोनू भी मौजूद था, मौजूद उसका बाप का नाम, हाँ चलवा रहा था। बाप का नाम? बाप का नाम है रामचरण शर्मा। अच्छा, और बड़े एक बड़े लड़के का नाम है सोनू शर्मा। कितने बजे की बात है ये? ये रात्रि 9 बजे की बात है। पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने ये हमारे थाने जाने से पहले ये तीन लोग थाने मौजूद थे, तीन मौजूद थे वहीं पर। और पुलिस ने जो है जबकि हमने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाई है, और पुलिस ने एक का चालान कर दिया। 25 तारीख से दो को रोके पड़ी है, और अभी जो है उनकी वो नहीं कर रही, चालान नहीं कर रही उनका। थाने में बैठे हैं वो लोग? थाने में बैठे हैं, सुना है कि थाने में बैठे हैं। अच्छा, उनको नहीं भेज रही जेल? उनको जेल नहीं भेज रही। आप क्या चाहते हो? जेल भेजा जाए साहब, वो घटना के दोषी है, मौके पर मौजूद थे, लड़के के भाई नहीं तो रिवॉल्वर को लोड करके दे रहा था कारतूस। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित श्रीवास्तव। पूरा क्या मामला था? मैं जिम से वापस आया था। अच्छा, बाहर काउंटर के बाहर में खड़े होकर पानी पी रहा था, अचानक ऊपर मौका है वारदात पे, तीनों लोग ऊपर ही थे, ये इसके फादर और इसके भाई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है, मैंने पानी पिया, बोतल नीचे रख ही पाया था मैं। तब तक ऊपर से इनके लड़के ने कहा कि तूने मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब किया है साले, और इतना कहती इसने ऊपर से फायर कर दिया। क्या क्या नाम है उनके? हाँ, नाम क्या है? पंकज नाम है उनके छोटे लड़के का, उससे बड़ा वाला उसका नाम है सोनू शर्मा, और उनके जो फादर है उनका नाम है रामचरण शर्मा। घटना के पीछे की वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी, बस जलन थी और कुछ भी नहीं। किस बात की? भाई अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। पुरानी कोई रंजिश नहीं है किसी से भी नहीं। और मौके वारदात पे तीनों लोग ऊपर थे, इनके भाई ने लोड करके दिया है, और इनके फादर ने खुद कहा था कि चला साले के ऊपर। फादर का क्या नाम है? रामचरण शर्मा। और जो मारने वाले थे उनका क्या नाम है? सबसे छोटा लड़का उनका वो है पंकज शर्मा, और जिसने लोड करके दिया है वो है सोनू शर्मा। क्या नाम है आपका? सोनू श्रीवास्तव। अच्छा, क्या क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम लोग दुकान में बैठे हुए थे, मैं और मेरा भाई। कहाँ पे? भाई हमारा जिम से आया था। नहीं, दुकान पे कहाँ बैठे थे? दुकान हमारी गोपाल नगर में गोसाई मार्ट में। अच्छा, तो दुकान में हम लोग बैठे थे तो अचानक से फायरिंग होने लग गई, वो
हम लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, भाई के गोले लग गए। तो आपने जो गोली जिसने चलाई थी आपने पहचाना उसे? हाँ, तो मैं इधर उधर देखने लगी क्या हुआ, तो मुझे सामने पंकज खड़ा दिखा, छत से उसके हाथ में ऐसे पिस्तौल थी और वो गोली चला रहा था। उसके साथ उसके भाई और पापा भी थे। वो उसके पापा जब तक मतलब मेरे भी गोली लग गई, लेकिन उसके पापा जो बोल रहे थे ना कि मारो साले को हम लोग निपट लेंगे, मार साले, इस तरीके से बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैं अपने भाई को संभालने में लग गई, उसे उठाने में लग गई, फिर उसके बाद मैं भी बेहोश हो गई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला क्या हो रहा है, फिर ये लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, भाई को भी मुझे भी। ठीक है। अब वो कहाँ भाग गया पता नहीं। ये तो पूरी अब तो खैर बच्चों ने देखा, वो आपको बताई थी जानकारी, इतनी जानकारी जो है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा अच्छा। समझे, बच्चे ये कह रहे थे कि जो है कि इसका बड़ा भाई जो है कारतूस फेंक दे रहा था और जो है कि ये चला रहा था, फार कर ठोक रहा था, कई राउंड फार कर रहे थे, मेरे बच्चे उस सीना फाड़ते हुए गोली मारी तो आज निकल गई। लाइसेंस ही है वैसे? लाइसेंस ही है उसका, मेडिकल लाइसेंस ही है उसका। बंदूक 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 नहीं नहीं बेफिजूली में दौड़ लगवाई जा रही, खाने के भी चक्कर लगा रहा हूँ, और वो अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जेल नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए क्यों रोक रखा उन्होंने बच्चे तारीख को, जबकि 24 घंटे के अंदर जो है भेजा चाहिए जेल, दो को रोके पर एक भेज दिया, जब तीन के नाम भेजा आ रहे तो तीनों के लिए जेल भेजना चाहिए। थाने में तीनों है।